हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साहेब गोरा और आप जुड़ चुके हैं सैनिटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमने वो कम्प्लीटली वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स की। किसकी बात करेंगे? डेसिमल्स की, क्योंकि हमारे जो टॉपिक था इसका नाम क्या था? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हमने अब तक फ्रैक्शंस के बारे में लगभग जितना हमें डिस्कस करना चाहिए था वो हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें डेसिमल्स की। तो देखो, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में डिफरेंस क्या है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपको एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन डेसिमल्स में आपको क्या करना होता है, एक डेसिमल पॉइंट के साथ आपको नंबर लिखना होता है। यानी कि कुछ डिजिट्स होंगे वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और कुछ उसके राइट हैंड साइड में होंगे। अब ये दोनों ही जो तरीके हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो आपको, जैसे इंटीजर्स की बात करते हो तो वो कैसे आते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के आते हैं। एक इंटरवल होता है इनके बीच में, ठीक है। जैसे आप लाइन खींचोगे तो लाइन पर आप 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, तो इनके बीच में इंटरवल रह रहा है। इसमें कोई डिजिट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए ये 2 मेथड्स यूज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 2 और 3 के बीच में कोई नंबर देखना हो, तो एक तो आप मान लो 2 और 3 के बीचों बीच में कोई नंबर है, यानी कि वो लगभग 2.5 होगा। तो 2.5 के लिए एक तरीका, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसको 2.5 लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो 5/2 लिखेंगे, ठीक है। 5/2 लिखने का रीज़न, जैसे मान लो अगर इक्वल पार्ट्स होते, मान लो यहाँ 0 है, तो अगर हाफ हाफ के इंटरवल होते तो 1, 2, 3, 4 एंड ये जो होगा वो 5, ये जो इंटरवल होगा वो 5th नंबर का होगा, ठीक है। अब वो 5th नंबर का है तो सभी इंटरवल्स, जो स्टार्टिंग में जो इंटरवल्स थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ये मेथड है एक नंबर को फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखने का। तो इससे आप अवेयर हो ऑलरेडी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो जैसे डेसिमल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो आप किसी नंबर के राइट में चलते हो, डेसिमल पॉइंट के राइट में चलते हो, ठीक है, और ये सॉरी लेफ्ट में चलते हो और राइट में चलते हो, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे कि जब आप यहाँ से चलना शुरू करते हो तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट आता है, जो फर्स्ट डिजिट आता है ये तो डेसिमल पॉइंट है, जो फर्स्ट डिजिट आता है उसको क्या बोलते हो आप, वंस, फिर टेंस, फिर 100, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 5, तो इसका जो नंबर्स है इनकी जो एग्जैक्ट जो मीन है इनका वो ये है कि 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ जो डिजिट लिखा हुआ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 × 1 = 5, ठीक। यहाँ पर टेंस लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ जो डिजिट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी। 3 × 10 कितना होगा, 30। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ इसका मतलब 3 नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है 30। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसी तरीके से इसका मतलब होगा 200। अब चाहे आप इनको ऐड करके भी देख लो, 200, 30 और 5 आपको क्या मिलेगा, 235, ठीक। इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या होता है, यहाँ पर टेंथ, 100 और 1000, ऐसा क्यों कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा, देखो होता क्या है, जैसे मान लो 2.1 है तो इसका मीन क्या है, ठीक है, या 2.2 है तो इसका मीन क्या है। तो
तो ऐसा देखोगे आप, तो आप ये देखोगे कि टू के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर वन डिजिट लिखना हो तो मैं जीरो लिख सकता हूँ, 2.1 लिख सकता हूँ, 2.2 लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 2.9 तक, ठीक है। इससे जैसे आगे बढ़ूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 3.0, ठीक। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये समझो, देखो यहाँ पर गया था 2, यहाँ पर गया 3, अब मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो ये जो होगा वो क्या होगा, 2.1, यहाँ जो होगा वो 2.2, इस तरीके से यहाँ पे जो होगा वो 2.9 और फिर 3, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि यहाँ तक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, किसी नंबर को 10 पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ा, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा वो एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होगी वो जैसे 1 होगा तो 1 का 10वां पार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1/10 पार्ट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 10th, इसको क्या बोलेंगे, 1/100, यानी कि 100th, और ये जो होगा वो क्या होगा, 1000th, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू होती 2, 5 and 1, तो इसका जो एक्चुअल मीन होता वो क्या होता, इसका होता 2 × 1/10, इसका मतलब होता 5 × 1/100, और इसका होता 1/1000, ठीक है। और जब आप इसको लिखते हो तो वो होगा 0.2, ये होगा 0.05, और यहाँ पर जो भी होगा उसका मतलब होगा, जैसे ऐसे लिखा है 1 × 1/1000, तो इसका मतलब होगा 0.001, यानी कि यहाँ पर हमने 100th पार्ट में ब्रेक किया होगा, और फिर उन 1000th में से हम केवल 1 को ले रहे हैं, यहाँ पर हमने 100th पार्ट में इसको ब्रेक किया होगा और उसमें से हम 5 ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेसिमल की बात करते हो। अब यहाँ पर बात आती है कंपैरिजन की, किसकी बात आती है, कंपैरिजन की। देखो आपके जो नोटबुक में जो क्वेश्चन है उनमें से ले लेते हैं हम एक बार। इसने पूछा हुआ है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं इसने वो देखो, 0.5 और 0.005, सेकंड है 0.7 और 0.5, थर्ड 7 और 0.7, फोर्थ 1.37 और 1.49, फाइव 2.03 और 2.30, एंड लास्ट है फाइनल है वो क्या है, 0.05। अब देखो डेसिमल में कंपैरिजन किस तरीके से किया जाए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आपको देखना है पॉइंट, पहले पॉइंट ऑब्जर्व करना आपको, पॉइंट कहाँ पर, पॉइंट के बाद में सबसे पहला काम करना आपको नंबर को ऑब्जर्व करते टाइम, पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, ठीक। अगर पॉइंट के इधर आपको डिजिट में डिफरेंस नज़र आता है, यानी कि किसी में 3 डिजिट हो किसी में 4 डिजिट हो, ठीक है, किसी नंबर में पॉइंट के इधर ओनली 3 डिजिट हो किसी में 4 डिजिट हो, यानी कि इक्वल डिजिट ना हो, पॉइंट के इधर अगर इक्वल डिजिट ना हो तो उस केस में जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो ग्रेटर होगा,
फॉर एग्जाम्पल 2154.017 762.89। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि ग्रेटर कौन सा होगा, तो हम देखेंगे पॉइंट के इधर किस में ज़्यादा डिजिट है, पॉइंट के इधर डिजिट कौन से नंबर में ज़्यादा, तो कौन से में ज़्यादा, इस वाले में। इस वाले में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, और इस वाले में 3 डिजिट, तो नंबर ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला। अब मान लो दोनों में इक्वल डिजिट होते, यानी कि यहाँ पर भी 3 डिजिट होते, यहाँ पर भी 3 डिजिट ही होते, यहाँ पर भी 3 डिजिट होते और यहाँ पर भी क्या होते, 3 डिजिट। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला डिजिट है वो किस में ग्रेटर है, वो किस में ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो किस में ग्रेटर है, इस बार ग्रेटर नंबर है ये वाला, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट एक्सट्रीमली जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो क्या है, ग्रेटेस्ट। क्लियर। अच्छा अब इसके बाद चलें कि अगर ये डिजिट भी क्या होते, इक्वल होते, तो फिर क्या करते, तो फिर हम इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखते। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, तो अब कौन सा होगा ग्रेटर, तो अब देखो 5 और 6 में से ग्रेटर कौन सा है, 6, तो ये वाला होगा। ठीक, अगर यहाँ पर भी 6 ही होता, यहाँ पर भी क्या होता, 6 होता, तो फिर हम इससे नेक्स्ट डिजिट को ऑब्जर्व करते, यहाँ पर क्या 4, यहाँ पर 2, तो अब इस केस में 4 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, तो अब कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। ठीक, अब अगर ये वाला डिजिट भी इक्वल होता तो उसके बाद हम क्या करते, इससे नेक्स्ट डिजिट देखते, इससे नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 8, और यहाँ पर 0, तो ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, अगर ये डिजिट भी सेम होता मान लो, तो फिर इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखते, तो अब ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला ही, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है। अगर ये भी 9 होता तो फिर क्या होता, फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखते, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो फिर किसको बताएं बड़ा, तो इस केस में बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 0, क्योंकि जो ये देखो आप मान लो 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ही रहेगा। ठीक, तो पॉइंट के बाद में अगर आप राइट साइड में अगर जहाँ पर डिजिट एंड हो रहे हैं उसके बाद जीरोज लिखते हो, जीरोज पुट करते हो, तो उससे उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दिया जा सकता है 0.45 और 0.5, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर कौन सा है, ये देखने के लिए आप देखोगे कि ये तो 45 है, ये 5 है, इसका मतलब ग्रेटर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका जो एक्चुअल मीन है वो कितना है, 0.50। ऐसा क्यों हुआ होगा कि उसने जैसे यहाँ पर एक नंबर होगा 0.4, ठीक, एक 0.5, अब इसने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, तो ये देखो क्या बना होगा, 0.41, फिर ये 0.42, 0.43, 0.44, ऐसे करते हुए 0.49 और फिर 0.50, फिर क्या आना चाहिए था, 0.50। क्लियर हो गया होगा, तो अब हम इजीली अब इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कंपेयर, फर्स्ट क्वेश्चन 0.5 0.05 0.5 0.05, इसमें तो आप बता सकते हो कि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहले कौन सा डिजिट बड़ा आता है। तो देखो पॉइंट के इधर तो इक्वल नंबर है, 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इस वाले डिजिट को चेक करना है, तो यहाँ पर तो ये वाला ही ग्रेटर है, ये तो 0 है, तो यहाँ पर ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला।
या फिर जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। फिर 0.7 और 0.5, इसको तो बता ही दोगे अब। 0.7 0.5 इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर क्या लिखा 7 और 0.7। अब जिसमें पॉइंट लिखा हुआ ही नहीं है, जिसमें डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता भी तो इसके आगे क्या होता? 0.0। ठीक है, तो देखो डेसिमल के इधर देखो कौन सा डिजिट बड़ा है इनमें से 7 और 0 में से? 7 ही बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा। फिर 1.37 और 1.49 में से 1.37 1.49। अगर आप इधर से इधर बढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पर आते ही आपको पता चलेगा कि 4 ग्रेटर है 3 स्मॉलर है, तो ग्रेटर नंबर ये वाला। फिर यहाँ पर देखो 2.03 और 2.30 2.03 2.30, इसमें भी इधर जाओगे देखोगे यहाँ पर ग्रेटर कौन सा होगा? ये वाला। और सिमिलरली यहाँ पर 0.8 है और 0.88 है। अभी यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 0। इसका मतलब अब आप इधर से इधर बढ़ोगे तो देखोगे ये तो इक्वल ही है, यहाँ पर देखोगे तो ये 8 है ये 0 है, तो इसका मतलब ग्रेटर कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ आंसर आएगा ये। ठीक, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ जहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पैसे में लिखी हुई है, तो उनको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करें? तो देखो जो रुपीज़ होता है, अगर 1 रुपी की बात करें हम, 1 रुपी की बात करें हम, तो ये किसके इक्वल होता है? 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपीज़ की बात करें तो किसके इक्वल होता है? 100 पैसे। यानी कि हमने अगर 1 से लेकर हमें 2 तक जाना हो, 1 रुपीज़ से कहाँ तक जाना हो? 2 रुपीज़ तक, तो उसके बीच में 100 बार ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसके बीच में और भी काफ़ी सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे 1 पैसा आ गया, उसके बाद में 2 पैसे 3 पैसे 4 पैसे 5 पैसे ऐसे करते हुए 99 पैसे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये 1 रुपीज़ था, 1 रुपीज़ के बाद में 1 पैसा और आया, तो 1 पॉइंट क्या लिखूँगा उसको? 0.1। मालूम चला क्यों लिखूँगा 0.1? 1.1 नहीं लिखूँगा, ये ध्यान रखना, 1.1 नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 1.01। ठीक, क्योंकि हमने इस पूरी लाइन को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इस जो इंटरवल है, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा कि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, यानी कि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट होगा इस लाइन पर, मान लो कि इस लाइन पर डेसिमल पॉइंट होगा, उसके बाद ये 99 तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0। क्लियर, तो ये चीज़ आपके माइंड में पहली बात क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड करता, तो जैसे यहाँ पर मान लो क्या होता? 1.1 होता। ठीक, तो अब इसके बीच वाले हिस्से को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा? 1.0 से 1.1 के बीच के हिस्से को मैं अगर 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो 1.01 ही तो लिखूँगा फिर मैं, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अभी 1.00 लिख सकता हूँ 1.0 को, तो फिर 1.01 1.02 1.03, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1.10। ठीक, तो इस वजह से मैं जैसे ही 1 पैसा की बात होगी, मैं वहाँ पर 0.1 लिखूँगा, न कि 0.1 लिखूँगा। ये गलत तरीका है, क्या लिखूँगा? 0.1। ये जो मेथड है वो करेक्ट मेथड है। क्लियर, तो अब यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा हुआ है? 7 पैसे। क्या लिखा हुआ? 7 पैसे। तो 7 पैसे का मतलब क्या हुआ? अब आप इजीली बता पाओगे कि 0 के बाद में मैं पॉइंट लिखूँगा, और अगर 7 है तो मैं 0.7 लिखूँगा उसको। 7 है तो क्या लिखूँगा? 0.7 पैसे। क्योंकि अगर मैं 7 लिखता हूँ,
0.7 लिखता हूँ, 0.7। तो इसका मतलब 7 पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 70 पैसा। ठीक, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 0.07। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 7 रुपीज एंड 7 पैसे। इसको इस तरीके से लिखूँगा, 7 रुपीज़ एंड 0.07 पैसे। इनके आगे जाओ तो आप रुपीज़ का साइन भी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो पैसा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रुपीज़ में। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है, 77 रुपीज़ और 77 पैसे। तो यहाँ पर देखो क्या है, 77। तो हम अब यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद में 7 लिखेंगे, क्योंकि हमने बात, ये जो 7 होगा इसका मतलब होगा 70। ठीक, तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट देखो क्या है, 50 पैसे। तो 50 पैसे को क्या लिखोगे आप, 0.50। ठीक, और 235 को, 235 को क्या लिखोगे आप। अब देखो 235 है तो पैसे के अंदर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ सकते हैं, पैसे के अंदर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ सकते हैं। तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 2.35। इन सब के आगे आप रुपीज़ का साइन ऐड कर लो जाए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होंगे। मैंने पहले डिस्कस किया इस चीज़ को कि इस तरीके से होगा 0.01, और ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, 0.99, और फिर जैसे आप 1 पर पहुँचोगे तो 1.00। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लोगे। अपने नोटबुक में नोट कर लेना इसको, और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो ठीक, अदरवाइज उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।